स्वयं को जानने का अर्थ क्या है, इस सेल्फ को जानने का अर्थ क्या है। तो चाहे कृष्णमूर्ति कह रहे हो, चाहे ओशो कह रहे हो, चाहे बुद्ध कह रहे हो, या कोई और कह रहे हो, कि सेल्फ को जानो, स्वयं को जानो, खुद को जानो, तो इसका अर्थ क्या हुआ? यदि वो यह कह रहे हैं कि स्वयं को जानो, सेल्फ को जानो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिसे वो जानने की बात कह रहे हैं उसे जाना जा सकता है, जिसे जाना ही नहीं जा सकता उसको जानने की बात तो वो नहीं कहेंगे। क्योंकि इसी के विपरीत वो यह भी कहते हैं, अगर आपने उनको पढ़ा है, कृष्णमूर्ति को भी अगर अच्छे से पढ़ा है, तो वो यही कहते हैं ना कि जो सत्य है वो अज्ञात है, प्रेम को आप ला नहीं सकते। तो जो अज्ञात है, जो अज्ञेय है, जिसे आप जान नहीं सकते, उसे जानने की बात तो कहेंगे नहीं। तो स्वयं को जानने का जब कोई बोलता है तो उसका अर्थ होता है उसे जानना जिसे जाना जा सकता है, किंतु सत्य को जाना नहीं जा सकता। क्योंकि सत्य को जब जाना जाता है तो सत्य तो अद्वैत है ना, अद्वैत माने जहां फिर द्वैत नहीं है, जहां दो नहीं है, जहां फिर आपका अस्तित्व नहीं रह सकता, जानने वाला नहीं रह सकता। अर्थात जब आप उस स्थिति में होते हैं, अब उसको स्थिति नहीं बोलना चाहिए किंतु समझने के लिए बोल सकते हैं, तो जब आप उस अवस्था में होते हैं, चेतना जब उस अवस्था में होती है, तो ये जो आप हैं, जो मैं बनकर अहम बनकर बैठा है, इसका अस्तित्व नहीं रहता। क्योंकि अहम तो भ्रम है और जो सत्य है वो सत्य है, सत्य एकमात्र सत्य है, तो जो भ्रम है वो मिट जाता है तो सत्य का अस्तित्व रहता है। तो जब कहा जाता है स्वयं को जानो, खुद को जानो, तो स्वयं को जानने का अर्थ होता है स्व को जानो, और स्व माने मैं। ये जो आप अपने बारे में जब कुछ भी कहते हैं तो आप क्या कहते हैं? मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं इस धर्म का हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इस देश का हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पिता हूं, मैं पत्नी हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, ये जो मैं लगा रहे हो, ये है सेल्फ। अब आप इस सेल्फ को अहम कहकर भी बुला सकते हैं, इसको आप मन कहकर भी बुला सकते हैं, किंतु इसी को जानने की बात कही जाती है। तो इस मैं को जानना होता है, और मैं चूंकि अपने आप में तो कुछ होता नहीं है, आप यदि कुछ अपने बारे में मैं के बारे में बताते हैं तो आप कहते हैं मैं पिता, मैं पत्नी, मैं पुत्र, मैं ये, मैं वो, तो किसी ना किसी चीज से जुड़कर ही तो ये मैं अपनी पहचान बनाता है ना। तो मैं को जाना कैसे जा सकता है? उन सब गतिविधियों, उन सब क्रियाओं के माध्यम से जो इस मैं के साथ होती है, जिनसे जा जाकर ये मैं जुड़ जा सकता है, माने जिनसे मैं संबंधित होता है, उसके माध्यम से आप इस मैं को जान सकते हैं, माने इस सेल्फ को जान सकते हैं, और सेल्फ माने इस अहम को जान सकते हैं। और ये जो अहम है, इसकी सारी पहचानें, इसके सारे संबंध जुड़े होते हैं इस शरीर के कारण। किंतु आपने ये सुना होगा, ओशो को भी अगर पढ़ा है, किसी को भी अगर ध्यान से पढ़ा है, तो सब ने यही कहा है कि तुम शरीर नहीं हो। अब कैसे मान ले कि तुम शरीर नहीं हो? अहम तो यही कहता है, अहम माने तुम, जब कहते हो कि मैं ये शरीर हूं, तो आप अपने आप को शरीर ही मानकर जीते हैं, क्योंकि इसी के लिए जी रहे हैं, इसी के लिए कर रहे हैं, इसी की परेशानियों से आप परेशान रहते हैं, तो आप तो अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं, किंतु आप शरीर नहीं है। कैसे? इसको ऐसा समझिए, दो तरीके से समझिए। मान लीजिए आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, आपके शरीर में ना कोई बीमारी है, ना कोई दिक्कत है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप, किंतु तब भी आप बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, डर भी लगता है, तनाव भी रहता है, अंदर कुछ होता है जिसको घुटन सी होती है। अगर आप देखो दुनिया में इतने लोग हैं, शरीर तो सबके स्वस्थ है ना, हर व्यक्ति, बहुत मतलब अधिकांश लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं अपने शरीर से, किंतु फिर भी क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों परेशान है? क्योंकि अंदर जो चेतना है वो बंधन में है। वो किस बंधन में है? वो इस शरीर से जुड़ी हुई है, इस कारण वो बंधन में है। क्योंकि जो चेतना है, जो मुक्ति है, वो जुड़ी हुई है इस शरीर से, और शरीर लिप्त हो चुका है संसार में। तो इस बंधनों को, इन बंधनों को जानना होता है, ताकि बंधनों से शरीर की जो पहचाने, शरीर जो बंधनों से जुड़ चुका है उनसे मुक्त हो सके, और उनसे यदि शरीर मुक्त हो गया तो चेतना मुक्त हो जाती है। तो आप चेतना हैं या शरीर, आप शरीर हैं या कुछ और,
या आप देख सकते हैं कि शरीर स्वस्थ है उसके बाद भी अंदर कोई परेशान है जो तुम्हें दौड़ा रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आप शरीर मात्र नहीं है। दूसरा तरीका आप यह भी देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया हो कि जब शरीर साथ नहीं दे रहा है, या शरीर को कोई समस्या है, या आलस आ रहा है शरीर को, या नींद आ रही हो, या बहुत थके हुए हो, कुछ भी हो सकता है। बस बात यह कि शरीर उस समय कुछ करने की स्थिति में नहीं होता है, किंतु उसी क्षण कुछ इतना जरूरी काम आ जाता है तो आप खड़े हो जाते हैं। कुछ काम आ गया ऐसा जो बहुत जरूरी है या आपको बहुत प्यारा है, तो फिर आप सारी समस्याएं भूल जाते हो। क्या दिक्कतें हैं शरीर में, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, आपको फिर कुछ ख्याल नहीं रहता, क्योंकि आप शरीर मात्र नहीं है। सिर्फ शरीर होते हैं तो शरीर के पास तो बहाना था ना उस काम को नहीं करने का। हम देखते हैं अपने जीवन में कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई समस्या हो जाए, तो भले ही कितने ही थके हुए हों, चाहे कितनी भी समस्या हो शरीर में, किंतु फिर भी हम दौड़े चले जाते हैं। क्यों? कुछ होता है ना। तो वो हैं आप, वो है आपका स्वभाव, जो प्रेम जानता है, जो आनंद जानता है, जो भला चाहता है, जो मुक्त रहना चाहता है इस शरीर से, किंतु ये शरीर उसे बांधे रखता है। तो आप शरीर मात्र तो है नहीं। तो जब कहते हैं कि स्वयं को जानो, तो ये कहा और जो शरीर आप नहीं है, माने जो सत्य है, वो तो अज्ञात है, उसे जाना नहीं जा सकता, और जिसे जानने की बात कही जा रही वो वही है जिसे जाना जा सकता है। तो आप जान सकते हो इस अहम को, और अहम जुड़ा होता है शरीर से। तो आप ये देखो कि ये शरीर किन आधारों पर संसार से संबंधित हो रहा है। तो जब सेल्फ को, माने अहम को, इस मैं को जानने की बात कही जाती है, तो ये कहा जाता है कि ये देखो कि ये मैं जाकर किन चीजों से जुड़ता है। जिन चीजों से जुड़ता है आप उन्हीं से परेशान रहते हैं, और वही चीजें आपका बंधन होती हैं, वही आपके दुख का कारण होती हैं, वही आपके सुख का कारण भी होती हैं। तो तुम ऐसा करो कि इस मैं को जानो, इस मैं को समझो, इस मैं की गतिविधियों को जानो कि किस तरह से जुड़ता है। अगर संसार में हो तो मैं जाकर तो जुड़ेगा किसी ना किसी से। आप ये नहीं कह सकते कि मैं करके बोलूंगा ही नहीं। आपको कुछ भी बताना है तो आपको पहचान तो अपनी बतानी पड़ेगी शरीर के आधार पर, क्योंकि शरीर के पहचान बता रहे हैं। पर आप किस आधार पर उस चीज से जुड़े हैं जिसको आपने अपने मैं की पहचान बनाई हुई है? आप कहते हो कि मैं पति हूं किसी का, तो आप पति किस आधार पर बने हैं ये जानना होता है। किसी व्यक्ति से हम कैसे जुड़ते हैं? बिना स्वार्थ के क्या हम कभी किसी व्यक्ति से जुड़े? हमारी कोई कामना होती है उस व्यक्ति से तो हम जुड़ते हैं, कोई उम्मीद होती है उससे कुछ मिल जाने की, कुछ पा लेने की, कुछ भी मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, या उसके साथ रहने पर हमें सुरक्षा का अनुभव होता है, मानसिक संतुष्टि मिलती है, या हमारा अकेलापन दूर होता है। यही सब तो आधार होते हैं ना हमारे किसी भी व्यक्ति से मिलने के, उससे जुड़ने के, उससे संबंध बनाने के, उससे बात करने के, यही सारे तो हमारे आधार होते हैं। तो ये क्या है? आप अहम के चलाए चल रहे हो। आप अहम चाहता है कि वो अपना विस्तार करे। कैसे? मैं मात्र मैं है, ठीक है। मैं अगर शुद्ध है तो वो आत्मस्थ ही है, किंतु मैं जब शरीर के साथ आता है, अहम जब संसार में रहता है शरीर के साथ लिप्त होकर के, तो वो अपने आप को फैलाना चाहता है। फिर वो कहता मैं पति हूं, एक पहचान बन गई, मैं राजा हूं, दो पहचान बन गई, मैं फलाने धर्म का हूं, मैं फलानी जाति का हूं, मैं फलाने देश का हूं, मैं आदमी हूं, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं। ये क्या है? ये मैं अपने आप का विस्तार कर रहा है। तो इस मैं के स्वभाव को जानना होता है सेल्फ में, कि ये मैं किस तरह से, किससे जुड़ता है और उसका आधार क्या है जिससे ये संबंधित हो रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप स्वयं को केवल अपने संबंधों के माध्यम से जान सकते हैं। कृष्णमूर्ति क्या सभी ने यही कही है? तो संबंध का अर्थ सिर्फ ये नहीं किसी व्यक्ति से, आप हर चीज से, ये मैं जाकर जिस भी चीज से जुड़ जाता है, मैं के साथ जो कुछ भी आप जोड़ते हैं, आपको वो देखना होता है कि ये किस आधार पर जुड़ा है। क्या यहाँ प्रेम है आधार या और कुछ? क्योंकि प्रेम के अतिरिक्त कुछ और होगा तो वही आपकी समस्या का कारण है, आपके दुख का कारण है। तो जानना क्या है? सत्य को तो जाना नहीं जा सकता। आप क्या कर सकते हैं? सफाई को आप अपने घर में ला नहीं सकते। आप क्या करेंगे? आपको कचरा हटाना है, सफाई अपने आप हो जाएगी।
एक फर्श है, उस पर अगर गंदगी पड़ी है तो आप क्या करोगे, सफाई को बाहर से लाओगे या उस गंदगी को हटाओगे? गंदगी को हटाना है। और गंदगी को कब हटा पाओगे? जब ये जान लोगे कि वो गंदगी है, क्योंकि अभी हम उसे जान ही नहीं रहे, हमको लग रहा नहीं गंदगी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानवर की तरह जी रहे हैं। सुअर को थोड़ी ना वो कीचड़ गंदा लगेगा, उसको तो उसी में मजा आएगा। और हम भी यदि वैसे ही जी रहे हैं तो हमारे जीवन में जो गंदगी है, जो कामनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, मोह है, हिंसा है, ये हमें बड़ी सुहाती है। हमको लगता नहीं हम कामना थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम हिंसा थोड़ी ना कर रहे हैं। तो फर्श पर गंदगी है, ये हमें जानना पड़ेगा। जब हम जान गए कि ये जो है ये गंदगी है, तो हम उस गंदगी को साफ कर देंगे, उसको हटा देंगे, तो सफाई फिर लानी नहीं पड़ेगी, सफाई अपने आप आ जाएगी। तो जीवन में जो कुछ प्रेम नहीं है, जीवन में जो कुछ जिसमें भी शांति नहीं है, तो उस अशांति के कारण को जानना और उस अशांति के कारण को ये जान लेना कि वास्तव में यही है जिसके कारण अशांत हूं, दुख के कारण को जान लेना, तो उससे आप मुक्त हो जाते हैं। तो मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से जुड़ रहे हैं, संबंधित हो रहे हैं, तो क्या आप इसलिए संबंधित हो रहे हैं कि आप उसका भला चाहते हैं या आपको प्रेम है उससे, या बस इसलिए कि प्रेम नाम तो बहाना है, हमें उससे कुछ कामनाएं अपनी पूरी करनी है, अपने स्वार्थ पूरे करने हैं, अपना अकेलापन दूर करना है, या उससे कुछ मिल जाने की उम्मीद है या कुछ मिल रहा है इसलिए जुड़े हैं? जब आप जान लेंगे कि मैं सिर्फ स्वार्थ के कारण जुड़ा हूं और मैं स्वार्थी हूं, तो आप स्वार्थी नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि जब तक स्वार्थ रहेगा आप शांत नहीं रहेंगे, आपके जीवन में प्रेम होगा नहीं। कोई काम यदि आप कर रहे हैं, ये मैं जाकर जुड़ गया है कि मैं बिजनेसमैन हूं, तो ये जुड़ गया मैं बिजनेसमैन से। अब देखो कि जो आप धंधा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? क्या आपको वास्तव में उस काम से प्रेम है? क्या वास्तव में वो काम इतना जरूरी है कि उसके बिना संसार का कल्याण हो नहीं सकता? तो देखो कि वो काम जरूरी है, या उससे संसार का भला हो रहा है, या उससे आपको प्रेम है, वो सही काम है, या सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि उससे अपने स्वार्थ पूरे हो रहे हैं, या सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसके माध्यम से आप किसी लोगों के मालिक बन जाते हो। तो जब जब इस स्वयं का, इस मैं का स्वभाव होगा किसी का मालिक बन जाना, जब जब इसका स्वभाव होगा अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी से जुड़ जाना, किसी पर निर्भर हो जाने के लिए अगर ये जुड़ता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी पर जुड़ता है, तो ये दुख का कारण बनता है। क्योंकि जिससे आप निर्भर होकर जुड़े हैं, अकेलेपन के लिए जुड़े हैं, तो जब तक उससे आपकी निर्भरता की पूर्ति हो रही हो, जब तक उसके साथ रहने से आपका अकेलापन दूर हो रहा है, संबंध केवल तभी तक बनेगा। और जैसे ही एक दूसरे को किसी से चिढ़ होने लगी तो संबंध में अशांति पैदा हो जाएगी। तो सीधे सीधे अगर कहें तो सेल्फ माने मैं और माने अहम का, अहम संयुक्त है कुछ चीजों से मिलकर बना हुआ, जैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, भय, हिंसा, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या आपके संबंधों में विद्यमान है? जिस भी चीज से, जिस भी वस्तु से, व्यक्ति से, विचार से आप जुड़ते हैं, जिस काम से आप जुड़ते हैं, क्या वहां पर ये सारी चीजें हैं? अगर ये सब हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके पीछे कारण क्या है। मैं भयभीत हूं तो ये भय क्यों आ रहा है, और क्या वास्तव में मुझे भयभीत होने की आवश्यकता है? मैं किसी से जुड़ा हूं तो क्या सिर्फ स्वार्थ पूर्ति के लिए कि वो इंसान अच्छा है? तो जैसे जैसे आप इस मैं के स्वभाव को समझते जाएंगे कि ये क्यों किसी से जुड़ रहा है, क्यों किसी से जुड़ना चाहता है, तो इसी को सेल्फ को जानना कहते हैं। यही है सेल्फ को जानने का अर्थ, कि ये जो मन है ये किस तरह से काम करता है, ये मन किस तरह से संसार में लिप्त रहता है, किन चीजों के पीछे दौड़ता है। जब भी लालच उठे तो उसी क्षण रुको और पूछो अपने आप से क्यों। लालची होना मेरा स्वभाव तो नहीं है। क्रोध उठे तो रुको और पूछो अपने आप से, क्या क्रोधित होना मेरा स्वभाव है? क्योंकि ये सब तो दुख के अशांति के कारण है। किसी से लगाव हो जाता है तो पूछो अपने आप से कि उससे लगाव होकर, उससे आसक्त रह करके क्या आप उसका भला कर पा रहे हैं? क्योंकि आप लगाव जब हो जाता है तो आप उसे प्रेम का नाम दे देते हैं, किंतु प्रेम तो होता नहीं, आसक्ति तो प्रेम होती नहीं, लगाव तो प्रेम होता नहीं, मोह तो प्रेम होता नहीं। और जहां प्रेम नहीं होता है फिर वहां शोषण होता है, वहां पर मालकियत होती है, वहां पर संदेह होता है, झगड़े होते हैं, दुख होता है। तो सेल्फ को कैसे जानोगे? ये देख लो कि आप इस मैं को जिस जिस चीज से जोड़ रखा है वो किस आधार पर जोड़ा है। जिससे भी जाकर ये मैं जुड़ा हुआ है, यदि वो
आधार प्रेम है, यदि वो आधार कल्याण है, मुक्ति है, यदि उसका आधार दूसरे का भला चाहना है, तो जीवन में शांति अपने आप आ जाएगी। किंतु हम ऐसे हैं नहीं। इसका प्रमाण यह है कि हमें ये सवाल उठता है कि आखिर स्वयं को जानना क्या है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो डॉक्टर की बात नहीं करता, जिस व्यक्ति का पेट भरा हो वो भोजन की बात नहीं करता। यदि हम ये बात कर रहे हैं कि स्वयं को कैसे जाने, जीवन में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, इसका अर्थ है कि अभी जीवन में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है। तो जब जीवन से वो सारी चीजें, ये जो मैं है इससे जुड़ी हुई सारी चीजें साफ हो जाती हैं, आप उनसे निर्लिप्त हो जाते हैं, जब आप उन्हें जान लेते हैं जो प्रेम नहीं है, प्रेम के अलावा है, तब प्रेम का आगमन अपने आप होता है, जीवन में शांति अपने आप होती है। जब आप किसी व्यक्ति से जुड़े हैं इसलिए नहीं कि उससे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, इसलिए नहीं कि उसके साथ रहकर अकेलापन दूर हो रहा है, बस इसलिए कि वो सुंदर है, सुंदर माने उससे कुछ चाहिए नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कामना नहीं है, बस वो इतना अच्छा है कि उसके साथ रहना बड़ा प्यारा लगता है, या फिर हम उसका भला चाहते हैं, तो वो संबंध स्वस्थ रहता है। तो सेल्फ को जानने का अर्थ यही है कि इस सेल्फ को जाना जाए, मैं को जाना जाए कि ये किस आधार पर संसार से जुड़ता है। आपका स्वभाव है मुक्त रहना, शांत रहना, मौन रहना, ध्यान में रहना, आनंद में रहना, किसी चीज से भयभीत ना होना, साहसी साहस रहना सही काम के प्रति। तो आपके संबंधों में यदि प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, भय है, निर्भरता है, आसक्ति है, तो आपको उन समस्याओं के कारण को जानना, ये सेल्फ को जानना है। मैं को जान लो उन सब चीजों से जो जा करके उससे चिपक गई है, उनको जानकर। जैसे आलू टमाटर की मैंने सब्जी बनाई है तो उस सब्जी को कैसे जानूंगा, जिन चीजों से वो सब्जी मिलकर बनी है। तो मैं क्या करूंगा, उस आलू को पहचानूंगा, देखूंगा कि आलू क्या चीज है, फिर टमाटर को देखूंगा, फिर जो मसाले डाले उनको देखूंगा, जो जल डाला उसको देखूंगा, इस तरह मैं सब्जी को जान पाऊंगा कि सब्जी चीज क्या है। इसी तरह मैं को माने सेल्फ को माने अहम को आप तब जानेंगे जब उन सब चीजों को समझ लेंगे जिनसे मिलकर के अहम बना है, जिनसे मिलकर के सेल्फ बनता है, और सेल्फ बनता है इन्हीं सब विकारों से मिलकर के, काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या द्वंद हिंसा, इन सब से मिलकर के। इन्हीं सब का तो पुलिंदा होता है मैं, आपके अतीत, आपका संस्कार, आपको क्या शिक्षा दी गई है, आपको समाज ने क्या सिखा दिया गया है, क्या आपकी धारणाएं हैं, क्या आपकी मान्यताएं हैं, आपका अनुभव क्या रहा है, इन्हीं सब का मिला जुला तो आपका अस्तित्व है, इन्हीं सब के आधार पर तो आप अपनी पहचाने बताते हैं। संसार ने ही तो आपको बताया है कि आप कौन है, आप किस धर्म के हैं, आप किस जाति के हैं, आप पिता हैं कि पुत्र हैं, आप आदमी हैं कि औरत हैं, क्या है, ये आपको संसार ने ही सिखाया है, और इन्हीं सबसे मिलकर तो मैं बना है। तो इन सब को समझना सेल्फ को समझना होता है। जब आप इनको जान जाते हैं तो आप अपने हर संबंध में ये देख पाते हैं कि संबंध का आधार क्या है, क्यों जुड़ रहा हूं किसी से। और जैसे जैसे जानते जाते हो फिर ये सवाल भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, सवाल अपने आप खत्म होते जाते हैं। सवाल केवल तभी तक उठते हैं जब तक कि हम समस्या को समझ नहीं सकते, समझ नहीं जाते। एक बार समस्या को समझ लिया तो फिर सवाल उठना बंद हो जाता है उस विषय में।